आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी टॉप 10 मोस्ट फेमस एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम। उसमें से पहली एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की मोस्ट आइकॉनिक एक्ट्रेस में से एक है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो देश में नहीं पूरे विश्व में पसंद की जाती है। बॉलीवुड के अंदर अपनी स्ट्रगल से नंबर वन स्लॉट पर आई है। इंडस्ट्री का हर एक एक्टर उनके साथ मूवी करना चाहता है और साथ ही उनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है। दूसरे नंबर पर आती है श्रीदेवी। श्रीदेवी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। श्रीदेवी ने अपनी नीली तेज आंखों से लोगों के दिल पर चांदनी बनकर खूब जादू चलाया। श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग साउथ की फिल्मों से की थी, जिनके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिले थे। अगले तीसरे नंबर पर आती है शर्मिला टैगोर। शर्मिला इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कश्मीर की काली मूवी से शर्मिला जी ने लोगों के दिलों पर ऐसा जादू डाला कि वो बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बन गई। शर्मिला जी ने एन इवनिंग इन पेरिस में अपने बिकनी अपीयरेंस से न केवल इंडियन सिनेमा को बल्कि पूरे देश की ऑडियंस को शॉक कर दिया था। इसके बाद उनको बॉलीवुड मोस्ट हॉटेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में शामिल किया गया। अगले चौथे नंबर पर आती है रेखा। अपनी खूबसूरती के लिए आज भी लोगों के दिलों पर राज करने वाली रेखा मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम में से एक है। रेखा ने इंडस्ट्री में हर तरह के रोल्स किए हैं। उन्होंने 40 साल के करियर में 180 फिल्म्स की हैं। उनको उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। अगली हीरोइन की बात करूं तो वो है मुमताज। मुमताज ऑल टाइम पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। मुमताज ने 12 साल की एज में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। वो बॉलीवुड की सेक्स सिंबल थी। उनकी खूबसूरती और पॉपुलैरिटी ने उनको 70s की टॉप मोस्ट हीरोइन बना दिया था। अगली एक्ट्रेस की बात करूं तो वो है मधुबाला। मधुबाला अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में पहचान रखने वाली एक स्टनिंग एक्ट्रेस थी। मधुबाला 50s और 60s की बेस्ट हीरोइन थी। मधुबाला ने अपनी फिल्म मुगले आजम में अनारकली के कैरेक्टर में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद उनको वर्ल्ड बेस्ट एक्ट्रेस भी कहा गया। अगली अभिनेत्री की बात करूं तो वो है हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल की छवि रखने वाली हेमा मालिनी लोगों के दिलों पर लंबे समय तक छाई रही। उन्होंने अपनी खूबसूरत अदाओं से लोगों का दिल खूब चुराया। हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में अब तक 40 साल के करियर में 150 फिल्में दी। हेमा मालिनी को 2000 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। अगली एक्ट्रेस की बात करूं तो वो है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को उनकी ग्रीन ब्लू आईज के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ऐश ने देवदास और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्में देकर लोगों के दिलों पर खूब राज किया। हाल ही में आई मूवी ऐ दिल है मुश्किल में उनकी गॉर्जियस लुक ने लोगों को खूब पसंद किया। उनको 1994 में मिस वर्ल्ड के अवार्ड से भी नवाजा गया था। अगली एक्ट्रेस की बात करूं तो वो है काजोल। काजोल एक बंगाली टेक्सचर रखने वाली अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सबसे ज्यादा बार जीता है। काजोल ने बाजीगर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गुप्त, दुश्मन फना जैसी फिल्में देकर लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। और अगली हीरोइन का नाम है मीना कुमारी। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से फेमस ये हीरोइन 50s की सबसे सक्सेसफुल हीरोइन में से एक थी। कुमारी आज की सभी एक्ट्रेसेस की इंस्पिरेशन भी है। थैंक यू सो मच।